तो यार गेम के अंदर आ चुके न्यू फ्रेंड्स कॉलबैक इवेंट, जहाँ से आप लोग बहुत सारे रिवॉर्ड्स ले सकते हो। जैसे देख सकते हो, पहले बंडल आपको मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा गन का क्रेट, उसके बाद इनक्यूबेटर वाउचर 10 वाउचर मिलेगा आपको इनक्यूबेटर का, और उसके बाद 6 घंटे के लिए अनलिमिटेड कस्टम कार्ड मिलेगा। मतलब बहुत सारे रिवॉर्ड्स है। तो फ्रेंड्स कॉलबैक इवेंट आपको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे आप लोग इस वाले इवेंट को कंप्लीट कर सकते हो, कैसे रिवॉर्ड्स वगैरह ले सकते हो, सारी चीज आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो आप लोग भी गाइस अगर फ्रेंड्स कॉलबैक इवेंट कंप्लीट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखते हैं ना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले तो इवेंट पे जाना है। इवेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इवेंट पे आ जाना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड कॉलबैक नाम से इवेंट, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो बस यहाँ पे गो टू पे क्लिक कर देना। गो टू पे क्लिक करने के बाद आप लोग इस वाले इवेंट के अंदर आ जाओगे, और इसके बाद इवेंट का जो मेन इंटरफेस है आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हो, इस तरह से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा एक गेम का, उसके बाद यहाँ पे 2 गेम, 3 गेम, 4, 5, 6 ऐसे करके देख सकते हो। तो ऐसे आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, और लास्ट का जो रिवॉर्ड आपको बंडल मिलेगा, और उसके आगे यहाँ पे रिवर्स देख सकते हो। तो यहाँ पे इनक्यूबेटर वाउचर 10 इनक्यूबेटर वाउचर मिलेगा, फिर यहाँ पे 6 घंटे के लिए अनलिमिटेड कस्टम कार्ड मिलेगा, यानी कि जितना चाहो जितना मर्जी उतना कस्टम बना सकते हो एंड उतना आप लोग खेल सकते हो। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा डायमंड वाउचर, फिर गन का क्रेट है, उसके बाद गन का क्रेट है देख सकते हो, मतलब यहाँ पे वाला लूडआउट का क्रेट है। तो यहाँ पे ये सारे रिवॉर्ड्स है जो कि आप लोग ले सकते हो। तो बात करते हैं कैसे मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो इन्वाइट फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। एंड उससे पहले कुछ यहाँ पे मैं आपको बताया था, मतलब दिखाया था रूल वगैरह क्या है। तो रूल ऐसे है कि कोई भी आईडी अगर फ्री फायर के अंदर बहुत दिन से एक्टिव नहीं है, यानी कि लॉगिन वगैरह नहीं होते आपके पास, अगर कोई आईडी ऐसे या फिर आपका फ्रेंड का भी कोई आईडी है, अगर 2 हफ्ते तक लॉगिन नहीं किया है फ्री फायर के अंदर, तो आप लोग उस वाले आईडी को यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हो। इन्वाइट करने के बाद आपका आईडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप लोग अगर गेम खेलोगे तो आपको ये सारे रिवॉर्ड्स मिलेगा। जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो रूल पे आप लोग देख सकते हो सारे यहाँ पे आ रहे। तो आपको यहाँ पे 2 हफ्ते पहले का कोई आईडी आपको ढूंढना पड़ेगा, 2 हफ्ते से लॉगिन नहीं कर रहा है गेम के अंदर, ऐसे कोई आपको आईडी ढूंढना है, फिर आप लोग उस आईडी से कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या करना है, सबसे पहले इनवाइट फ्रेंड का जो ऑप्शन देख रहे हो इस पर क्लिक करने। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कोड आ जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हो। एंड कोड कॉपी करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको साइड में क्लिक करना है, एंड इसके बाद आपका जो कोड है कॉपी हो जाएगा। अच्छा, एंड यहाँ पे रूल देख सकते हो क्या है, ऐसा कोई आईडी आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे आपका फ्रेंड के पास होना चाहिए जो 2 हफ्ते से गेम के अंदर लॉगिन नहीं है। तो आईडी ढूंढ लेना, एंड इसके बाद इसको कॉपी करना है, जो कोड है ना इसको कॉपी करना है, एंड इसके बाद आपका दूसरा आईडी में जाना है, या फिर दूसरा मोबाइल के अंदर, या फिर आपका किसी फ्रेंड के अंदर शेयर कर देना। मैं आपको मेरा दूसरा आईडी से जाके दिखाता हूँ। तो लॉगिन करते, सबसे पहले लॉगिन नहीं मतलब लॉगआउट करते, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो। यहाँ पे गाइस मैंने मेरा दूसरा आईडी ओपन किया है, जो कि मैंने बहुत दिन से ओपन नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन वगैरह कर दिया है, एंड इसके बाद देख सकते हो मेरा आईडी ओपन हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इवेंट पे जाने, तो थोड़ा सा वेट करते, इवेंट लोडिंग ले रहे। एंड इसके बाद आपको इवेंट पे जाके वहाँ पे जो आपका कोड है ना उसको डालना है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इवेंट पे जाने, एंड इसके बाद आपको फिर से फ्रेंड कॉलबैक का जो इवेंट है यहाँ पे आपको जाना है, कोड पे क्लिक करके जाना है। एंड उसके बाद आपको गाइस यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंटर कोड का, जो कि आप लोग देख सकते हो। अगर कोई भी ऐसा आईडी आपके पास जो बहुत दिन से लॉगिन नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली इंटर कोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो कोड डालने का ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे जो कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे बस आपको इंटर कोड पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो कोड आप लोग कॉपी कर रहे हो या फिर देख के भी आप लोग लिख सकते हो। एंड उसके बाद नीचे जो कॉन्फर्म का ऑप्शन देख रहे हो, कॉन्फर्म पे क्लिक करना है। कॉन्फर्म पे आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे, आपका जो यहाँ पे मिशन है या फिर जो आपका आईडी है ना कनेक्ट हो जाएगा दूसरे आईडी से। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गेम खेलना है, एंड दोनों को ही सेम रिवॉर्ड्स मिलेगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। आप दोनों का आईडी मतलब जो भी आईडी रहेगा ना, दोनों आईडी पे सेम रिवॉर्ड्स मिलेगा, जैसे आप लोग देख सकते हो क्या क्या रिवॉर्ड्स है। तो चलो मैं आपको अभी उस वाले आईडी से दिखाता हूँ, मेरा मेन आईडी से जाके दिखाता हूँ कैसे आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। चलो भाई, यहाँ पे मैं मेरा मेन आईडी के अंदर आ चुका। अभी आपको इवेंट पे जाना है, एंड इसके बाद आपको कॉलबैक इवेंट पे जाना है, फिर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे रिवॉर्ड्स मिलेगा। यहाँ पे जब आपका आईडी कनेक्ट हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पे मिशन वगैरह देख पाओगे। यहाँ पे देख सो मिशन आ रहे हैं, और यूर इन्वाइट करके आ रहे, तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे क्लिक करके कौन आपका इन्वाइटेड है। एंड इसके बाद मिशन वगैरह आप लोग देख पाओगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 10 गेम खेलने, मतलब सिंपल बस 10 गेम खेलने हैं। जो आईडी से आप लोग कनेक्ट करोगे, जिस आईडी को आप लोग रेफर करोगे, जिस आईडी पे मतलब कोड वगैरह डालोगे ना, उस आईडी से बस आपको 10 गेम खेलने, मतलब दोनों आईडी से खेलने, सिर्फ उस आईडी से नहीं, आपका ये वाला आईडी और जिस आईडी को आप लोग इन्वाइट करिए दोनों आईडी से एक साथ 10 गेम खेलने। 10 गेम खेलोगे तो आपको ये सारे रिवॉर्ड मिलेगा। तो सिंपल चीज़ है, बस 10 गेम खेलो, एक एक गेम खेलने पर आपको एक एक रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे 1 गेम खेलोगे तो आपको गन का क्रेड, उसके बाद 3 गेम पे ये चीज़ मिलेगा, उसके बाद 5 गेम पे ये चीज़ मिलेगा, और 8 गेम पे ये चीज़ मिलेगा, फिर 10 गेम पे आपको ये चीज़ मिलेगा। एंड इसके साथ साथ आपको बंडल भी मिल जाएगा। तो ये सारे रिवॉर्ड्स आपको एक से करके मिलेगा, और बहुत ही सिंपल है। बस आपको इन्वाइट करने कोई ऐसे फ्रेंड को या फिर कोई ऐसे आपका आईडी पे, और इसके बाद दोनों आईडी से एक साथ खेलो, फिर आपको सारे रिवॉर्ड्स मिल जाएगा। तो आई होप आपको पता चल चुका है कैसे आप लोग फ्रेंड्स कॉलबैक का जो इवेंट इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो गाइस इतना था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब नहीं करिए अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लेना, उसके बाद एक बेल आइकन उसको कॉल पे सेट कर लेना। तो इस वाले वीडियो के लिए गाइस इतना ही था, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।